शार हो सकता सही, इसके जुमले सही। चलो किसी ने एक सवाल किया, जब गर्ल्स कॉलेज जाती है और वहाँ टीचिंग के लिए गैर महरम होते हैं तो क्या उनको देख कर पढ़ना गुनाह में शामिल होगा, तफसील से बताइए। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि लड़कियाँ अगर कॉलेज जाती है और वहाँ गैर महरम टीचर्स उनको पढ़ाते हैं तो गैर महरम मर्द को बग़ैर शहवत की निगाह से देखना जायज़ है, हराम नहीं है। गैर महरम मर्द को बग़ैर शहवत की निगाह से देखना जायज़ है, जैसे कि बहुत सारी सहाबियात ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को देखा, जिनके तस्करे भी हदीस में आते हैं, ऐसे दिखते थे फूना, ऐसे दिखते थे इन्हों, ऐसे दिखते थे उन्हों, ऐसे। तो बहरहाल पता चला गैर महरम मर्द को बिना शहवत की निगाह से देखना जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं। तो आप अगर टीचर से इल्म हासिल कर रहे हैं जो कि आपका महरम नहीं मेल टीचर है, तो बहरहाल अगर आप उसको देखते हैं, चूँकि सवाल लड़कियों की तरफ से और गर्ल खास लिखा, जब गर्ल्स कॉलेज जाती तो लिहाजा एक लड़की को अगर कोई मर्द टीचर पढ़ाने आता है जो गैर महरम है, लेकिन अगर उसको बगैर शहवत की निगाह से देखती है, बस नॉलेज उससे गेन करती है, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ ऐसा करना जायज़ है। चूँकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदैन के खुतबों में मर्दों को खुतबा दिया, चूँकि माइक सिस्टम नहीं होता था, फिर आप औरतों के करीब गए, औरतों को खुतबा दिया, और खुतबा दिया तो औरतें सामने थी और औरतों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा रिवायत में आता, ठीक है। तो लिहाजा अगर हराम होता तो नहीं देखती थी, बल्कि उन्होंने दूसरे सहाबी जो साथ कलेक्शन को आए थे, पैसे वगैरह चंदे जो ऐलान किया गया कि अल्लाह के नाम में खर्च करो, उसके लिए जो सहाबिया थे उनको भी देखा सहाबी को। तो बहरहाल पता चला कि औरत मर्द को बिना शहवत की निगाह से देख सकती है, एजुकेशन के लिए हो सकता है, बाजार वगैरह में हो सकता है, मतलब होता है नजरें पड़ जाती है। लेकिन ये बात मैं वाजे कर दूं, औरत को मर्द किसी भी निगाह से नहीं देख सकता है, समझा। हाँ मसला है, तो औरत को पर्दे में इसलिए रखा गया कि उसको किसी भी निगाह से नहीं देखा जा सकता, सिवाय उसके महरम ही उसको देख सकते हैं। तो लिहाजा आप स्टडी के लिए कॉलेज में अपने टीचर को जो गैर महरम है देख सकती है, इंशाल्लाह इसमें कोई मसला नहीं।